1 बजे से स्टार्ट किया था, फिर मतलब रात ही सोच लो, सुबह नहीं बोल सकते उसको। जो रात के 1 बजे से स्टार्ट किया था और अभी टाइम हो गया है शायद 8 बजने वाले हैं। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लाइफ इन माउंटेन। तो अभी हम निकल पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो अभी हम बस स्टैंड जा रहे हैं और हमारे दोस्त सारे बिजी है तो गाड़ी लेके कोई नहीं आया। अभी निकल रहे हैं माल रोड की तरफ और उसके बाद बस स्टैंड, फिर निकलेंगे बस स्टैंड से धुंधी की तरफ। उसके बाद हमारा ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा, हमारी जर्नी। ये ट्रैक हमारा 2 से 3 दिन का है। अभी हम माल रोड पहुँच चुके हैं, बस थोड़ी देर में यहाँ से कुछ सामान लेना बाकी रह गया था, वो सामान ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे बस स्टैंड की तरफ और उसके बाद वहाँ से धुंधी की तरफ। ये हमारी टिकट धुंधी तक की। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं धुंधी और अब हमारा ट्रैक यहां से स्टार्ट होगा। ये मेरा दोस्त तंकूत मेरे साथ और हमने जाना अब यहां से। ये हमारा रूट रहेगा, ये धुंधी का एरिया आ गया पूरा, यहां से स्टार्ट होगा हमारा ट्रैक। यहां से होते हुए परे को जाना हमने। आज की डेस्टिनेशन तो हमारी बहुत दूर है तो बस चलना स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से। अभी हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया है और हमारी पहली डेस्टिनेशन रहेगी बकरथाच, उसके बाद ब्यासकुंड, फिर हम ब्यासकुंड से लेडी लेक की तरफ जाएंगे। वैसे पीछे से भी रास्ता, लेकिन हमने प्लान किया है कि ब्यासकुंड जाएंगे, उसके बाद लेडी लेक को ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो धूप भी निकल गई है और ये कुछ सामने का व्यू। यहाँ से हमने अभी होते हुए परे को जाना है देखते हुए ऊपर की ओर। गर्मी काफ़ी बढ़ गई थी तो हमने अपने जो भी गरम-गरम कपड़े लगाए थे सुबह वो निकाल दिए और कैप वगैरह पहन लिए क्योंकि धूप बहुत तेज़ है आज। एक रास्ता इस ब्रिज के पहले साइड से ही जाता है किसी को लेडी लेक के लिए, तो हमने ये वाला रास्ता अपनाया क्योंकि हमने ब्यासकुंड को जाना है। फिर ब्यासकुंड से होते हुए लेडी लेक से होते हुए फिर हमने ऊपर को ट्रक स्टार्ट किया। और अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है जो है आलू का परांठा। हाँ, मज़ा आ जाएगा अब तो, लग्जरी लाइफ इन माउंटेन। गर्मा गर्म पहली चाय इन माउंटेन और तो माउंटेन फेस के साथ। और अभी टी टाइम हो गया हमारा, चाय और पार्ले जी बिस्किट और सामने बढ़िया व्यू।
मनाली की फेमस मिठाई पास में खाई और क्या चाहिए मजा आ गया। बकर थाज पहुंचने वाले हैं 15-20 मिनट और। सामने से हमें कैंपिंग दिख रही, यहाँ से हो रही वहाँ पे कैंपिंग। तो अभी टाइम हो चुका है, 12 बज चुके और अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पर बकर थाज, जो कि है ब्यास कुंड का बेस कैंप। नहीं नहीं है ये बातें वही, फिर इस मोड़ पर हम मिले हैं, न जाने अब मिलेंगे हम कभी, तो रुक जाओ एक पल यहाँ पे। चमजतरों की सुलबटे तुझे अभी बुला रही है, हजार मंजिल से ये कहे ये सुकून कहाँ पे है। तो अभी हम बकर थाज से काफी ऊपर आ चुके हैं, ये नीचे रह गया बकर थाज। तो काफी एक घंटा हो गया चलते हुए ऊपर, जो खड़ी चढ़ाई आ चुकी है यहाँ से ऊपर की और हमने जाना है अभी सेवन सिस्टर्स। देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल लाइन में खड़े हैं एकदम, ये जितनी भी पीक्स है 1 2 3 4 5 6 7 सेवन सिस्टर्स। काफ़ी लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम अब पहुंच चुके हैं ब्यास कुंड के एरिया में, और यहाँ आगे बहुत अच्छा ग्राउंड रहता है और वाटरफॉल भी एक। तो अभी हम एक दो नाले भी पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, उनको क्रॉस करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, देखते हैं अब क्या होता है। और आगे बहुत बड़ा ग्लेशियर भी है यहाँ पे सामने जो दिख रहा है। ये है पता के मीलों का ये फासला है, अलग आसमां भी है तो क्या ये दिल न माने। ये गाड़ियों की ऐसी दौड़ सा मेरा भी दिल दौड़ता है, न जा रहे हो दूर तुम तो क्या नहीं मैं का मुसाफिर, तो एक बार फिर तू हंस के। ये सामने ब्यास कुंड है और ये वाटरफॉल और ये दो नाले हमने क्रॉस करने, देखते हैं अभी नीचे जाके कहीं ना कहीं से रास्ता तो बना ही है। रास्तों में मुश्किल आसान नहीं थी, कहीं बोल्डर्स एरियाज तो कहीं पे बड़े बड़े नाले चले हुए थे, और ये दो नाले आए हमारे सामने। एक तो हमने शूज़ के साथ क्रॉस कर लिया और दूसरा बड़ा था काफ़ी, तो हमने शूज़ उतारे और फिर इसको क्रॉस कर दिया, क्योंकि अगर हम लेट करते तो ये पानी बढ़ता जा रहा था, शाम के टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमने जल्दी जल्दी इसको क्रॉस किया शूज़ हाथ में लेके, और काफ़ी मज़ा भी आया एडवेंचर करने में। और फिर आगे की तरफ गए हम वाटरफॉल की तरफ। इन दोनों नालों को क्रॉस करने के बाद भी हमें दो तीन छोटी छोटी स्ट्रीम्स बहती हुई मिली आगे, जो कि इजी थी क्रॉस करना, और हमारे सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल था जिसको देख के मतलब हमारी जो भी थकान थी वो ख़त्म हो रही थी, और मन कर रहा था कि जल्दी से जल्दी वाटरफॉल के वहाँ पहुँचें और वाटरफॉल को एंजॉय करें,
फिर उसके बाद ब्यास कुंड की तरफ निकले, यही हमारी प्लानिंग थी। तो अभी हम ब्यास कुंड पहुंच गए, जो ये ब्यास कुंड के आसपास ही है, थोड़ा पहले बैठे ब्यास कुंड आता है। उसके बाद हमने यहाँ से ऊपर की ओर ट्रैक करना है और धूप भी जाने वाली है, तो हमने प्लान किया कि जल्दी से जल्दी हम यहाँ से चले जाएँ ताकि हम अपना टेंट वगैरह सेटअप कर सकें आज के लिए लेडी लैक में। तो चलते हैं। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे, आगे बहुत ही सुंदर सुंदर वैलीज़ और माउंटेन्स और झरने कई अच्छे अच्छे देखने को मिल रहे थे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं ब्यास कुंड। ये हमारे बैक साइड में ब्यास कुंड है, ब्यास ऋषि का पवित्र स्थान। और अभी हमने थोड़ी सी पूजा की परे और फिर अभी यहाँ पे रेस्ट करें, थोड़ी देर पानी पियेंगे, फिर ब्यास ऋषि का और ब्यास रिवर का उद्गम स्थान भी यहीं से है। ये जो छोटी सी स्ट्रीम बह रही है यहाँ पे, यहीं से ये स्टार्ट होती है और आगे जाके ये बहुत सी नदियों से मिलके, छोटी नदियों से मिलके बहुत बड़ी विशाल नदी बन जाती है ब्यास रिवर। जितना जितना आप ऊपर की ओर चढ़ते जाएंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिल सकती और यहाँ पे सबसे अलग हर चीज़ का नेचर का साउंड और अलग सा व्यू, हर चीज़ में अलग नज़ारे देखने को मिलते हैं। और हमने ब्यास कुंड से ऊपर की और लेडी लेक की तरफ अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। बहुत खड़ी चढ़ाई थी, काफ़ी डिफ़िकल्ट रही हमारे लिए ये सबसे, इस ट्रैक की डिफ़िकल्ट चढ़ाई आज के दिन की। काफ़ी ऊपर आ चुके हैं ब्यास कुंड से और अभी रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से ऊपर की ओर जाना है, ये बैक साइड में ये वाला पार्ट क्रॉस करना है, सर तो थोड़ा सा रह गया। और ये है सामने का व्यू। फाइनली हम पहुंच चुके हैं लेडी लेग, वो है सामने ये अपना, और वहाँ पे कैंप साइट भी लगी हुई है। कैंप जाके बढ़िया से रेस्ट करते हैं, सिकंदर चाय पिलाएगा, बढ़िया सी चलाए चाय पिलाएगा, क्यों भाई, और ये मैगी खिलाएगा बढ़िया सी, पहाड़ों में मैगी सबसे पहले है, सेकंड ऑप्शन चाय। जैसे ही हमने लेडी लेक की चढ़ाई ख़त्म की और हमें सामने का व्यू दिखा लेडी लेक का, हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। जल्दी जल्दी हम अपने कैंप साइट की तरफ बढ़े। अभी हमने प्लान किया कि हम दोनों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे अपना टेंट लगाएंगे, मॉर्निंग में भी अच्छा व्यू दिखेगा सामने का। तो अभी सेटअप कर रहे हैं और सभी स्टार्ट कर देंगे टेंट लगाना। अभी हमने अपना बेस कैंप यहाँ पे सेट कर दिया है, तो काफ़ी मौसम खुलने भी लग गया ऊपर, देख सकते हैं आप। और प्लान कर रहे हैं अब रात को डिनर क्या बनाएंगे। अभी थोड़ा पानी लेने गए थे, यहाँ पानी बहुत गंदा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर से डायरेक्ट आता है, तो उस वजह से मिट्टी वाला पानी आता है यहाँ पे। चाय होगी रेडी, अगले दिन सुबह हम 4:30 पर उठ गए थे और हमने रात को डिसाइड किया कि हम अगले दिन नहीं जाएंगे। अगले दिन हम थोड़ा एक्लिमेटाइजेशन करने के लिए अपनी बॉडी को ऊपर तक समिट बेस कैंप तक ऐसे ही सुबह घूमने जाएंगे। और हमने ऊपर तक गए और हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे हम 12 या 1 बजे के आसपास रात को ऊपर की ओर ट्रैक स्टार्ट कर देंगे। अभी हम काफ़ी ऊपर तक चल के आए,
तो धूप हमारे पीछे धूप आ गई है राइट साइड में, तो धूप छुटी है पूरी पूरी। और अभी टाइम हो रहा है 6:20 हुए, तो हमने डिसाइड किया कि आज हम लेट हो गए, धूप जल्दी आ गई, मतलब यहाँ पे 5 बजे टॉप में धूप आ चुकी थी। वही पानी गर्म हो रहा है, पहाड़ों की नदी। अभी 6:30 हो गया टाइम, शाम का टाइम, तो हमने पूरे दिन भर रेस्ट किया क्योंकि आज का प्लान हमारा थोड़ा चेंज हो गया, हम टेंट ऊपर की ओर नहीं लगे, हमने यहीं पे लगाया टेंट और रेस्ट किया। आज बोल सकते हैं 12 बजे रात को यहाँ से निकलेंगे, 12-1 बजे के बीच में। तो बस अभी तो वेदर पूरा पैक है, चावल बन गए रेडी, और ये हमारा पूरा सेटअप टेंट का। अभी तो सारा सामान बिखरा पड़ा है यहाँ पे, 12:37। तो अभी यहाँ पे सूप बना रहे हैं, टाइम हो चुका है 1:02 और हमारा सूप भी रेडी हो गया है। चीयर्स ब्रो। बस अब थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलने वाले हैं, ये हमारा सूप थोड़ा सा बच गया जिसको पीना हो सकता है, नेक्स्ट टाइम जॉइन करें। पूरी पैकिंग हो चुकी है, हम निकल पड़े हैं अपने टेंट से और टाइम हो गया है 1:14 हो गए हैं, सबने चलना स्टार्ट कर दिया था। और अभी देखते हैं कितना लंबा सफ़र रहता हमारा, अभी हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और ये इनकी काफ़ी चीज़ है। हम पहुंच चुके हैं 4200 मीटर पे और इस जगह का नाम है समिट कैंप, तो मतलब काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम। और अभी टाइम हो चुका है 2:22 और हमने अब यहाँ से ऊपर को स्नो रूट तय करना है ऊपर की ओर, ग्लेशियर का पानी जो कि इस टाइम बहुत ठंडा है। चार बजने वाले हैं और हमारे को चलते हुए 2-3 घंटे हो गए हैं। आगे मौसम भी खराब हो रहा है, अभी दिख नहीं रहा है इसमें। अभी हम काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं, काफ़ी 1-2 घंटे हमने स्नो में ट्रैक किया ऊपर को खड़ी स्लोप में। हम अभी यहाँ से आए हैं नीचे से ऊपर, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे थे हमारे सिर में दर्द भी हल्की हल्की होने लग गई थी और धूप भी आ रही थी जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चढ़ते जा रहे थे। ठंडी ठंडी हवा भी स्टार्ट हो गई है और हम
काफ़ी एच से ऊपर की ओर चल रहे हैं। तो ये कुछ आगे का व्यू सामने खड़ी चल जैसे मौसम खुलता जा रहा था वैसे वैसे तेज हवा भी चलने लगी थी जिससे हमारे हाथ पैर सारे ठंडे हो गए थे। ये पूरा एरिया क्रेवास से भरा हुआ है, ग्लेशियर एरिया पॉइंट। और पहला क्रेवास हमें खड़े हैं। जो ट्रैक रह गया वो भी कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ सामने का व्यू, हर एक माउंटेन दिख रहे हैं यहाँ पे। मुझे तो नहीं लगता कोई छुप रहा होगा, जहाँ से हम आए ये यहाँ नीचे बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्ता था पर हमने कर लिया, और आगे और डिफ़िकल्ट है तो देखते हैं। अब हम अभी यहाँ से होते हुए नीचे से आए हैं, वो हमारा नीचे बेस कैंप लगा हुआ है, यहाँ टेंट दिख रहे होंगे वहाँ पे। और अंकित ऊपर की ओर चल रहा है, अभी तो काफ़ी ऊपर तक जाना हमने। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही थी सांस भी फूलने लग गई थी ज़्यादा, और प्यास भी लग रही थी क्योंकि धूप भी आ गई थी, और पानी भी पीते जा रहे थे धीरे धीरे, आराम से रुक रुक के ऊपर की ओर बढ़ रहे थे क्योंकि कैसा लग रहा है इसके अंदर। फील गुड, मज़ा आ रहा है, थोड़ी दिक्कत भी आ रही थी और मज़ा भी आ रहा था व्यू देख के। व्यू देख के तो जोश बढ़ता जा रहा है। क्लाइम की और अभी हम फ्रेंडशिप पीक में ही खड़े हैं। हमने सुबह 1 बजे से स्टार्ट किया था, मतलब रात ही सोच लो, सुबह नहीं बोल सकते उसको, तो रात के 1 बजे से स्टार्ट किया था और अभी टाइम हो गया है शायद 8 बजने वाले हैं। तो 5 से 6 घंटे लग गए हमें यहाँ पहुँचने में। बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक था और हमने काफ़ी चीज़ें फेस भी की इस ट्रैक में, और काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं, जब यहाँ पहुँच जाते हैं तो मतलब दिल खुश हो जाता है, जो भी एनर्जी हमारी लूज़ हुई थी यहाँ आके सारी, मतलब कि ऐसे माउंटेन्स को देख के तो अब तो ऐसा मन कर रहा है एक और ऐसा पहाड़ होता वो भी चढ़ लेते हम। तो मतलब आपको बता नहीं सकते हम कितनी खुशी हो रही है, ये तो हमारा ड्रीम था, मतलब बता नहीं सकता मैं आपको। और ये हमारे डाउन में पूरा मना बहुत कम है। फ्रेंडशिप पीक पे हम खड़े अभी, तो बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो हम अपनी वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारी वीडियो को ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए, और जुड़े रहिए लाइफ इन माउंटेन के साथ और हमारे साथ, ऐसे ही अमेजिंग व्यू दिखाएंगे हम आपको हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। बाय। छोटे से लगे है कितने बड़े जो हो सामने, दूर जो है खड़े इन्हें भी ये हमारी जिंदगी ओ तितलियों सी छोटी छोटी सी लगे है कितनी बड़ी नहीं।
जानते यह खाली घर तेरा ये चाबियों की गूंज ऐसे तुझे डरा रही तू डरना नहीं मैं हूँ यहीं पर।